अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जनाब, मैंने सोचा तो ये था कि आज का ब्लॉग मैं बड़ी खुशी खुशी बनाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड जो हैं वो वापस आ गए हैं और उनके लिए मैं कुकिंग कर रही थी। और जब तक मैंने ये ब्लॉग अपलोड करना था तो मैंने ये सोचा था बड़ा अच्छा सा टाइटल और बड़ा अच्छा सा ना थंबनेल मैं बनाऊंगी इसका, और फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी खुशी। ज़ाहिर है इतने तकरीबन 2 हफ्ते बाद हस्बैंड जो हैं वापस आए हैं जिस काम से वो गए हुए थे, तो बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे तो हम भी खुश थे। तो मैंने कहा चलें एक बनाऊँगी वीडियो, लेकिन आप यकीन करें दिल इतना उदास है ना कि बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा कि किसी किस्म की भी कोई वीडियो मैं बनाऊं। और आज भी इतने दिन बाद मैं बड़ी मुश्किल से बना पा रही हूं। तो कहता कि बनाने का इरादा मेरा कल था, लेकिन इतनी बुरी खबर सुनने को मिली ना कि फिर मेरा दिल ही नहीं किया बनाने को। और आज भी मैं इतनी मुश्किल से वॉइस ओवर कर रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती। बाज़ अवकात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बड़ी तकलीफ़ देती हैं और जिसका सुन के ना आपको बड़ी तकलीफ़ होती है। मुझे असल में थोड़ा सा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी है, और जैसा कि आप जो लोग न्यूज़ देखते हैं उनको पता होगा कि अरशद शरीफ जो कि ARY की न्यूज़ एंकर थे और सीनियर एंकर पर्सन थे, उनको जी असैसिनेट कर दिया गया है कीनिया में। और आप यकीन करें कि इतनी तकलीफ़ हुई, जिस तरह मतलब कोई वाकई आपका अपना बंदा जो है ना वो चला जाता है ना ये सुन के, क्योंकि मेरे तकरीबन फेवरेट एंकर्स में से ये एक थे और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी थे। और स्पेशली इन दिनों में जब से ये हमारे मुल्क के हालात हुए हैं, जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, तब से जो इनका किरदार रहा है, उसके अलावा कुछ और यूट्यूबर्स का, एंकर पर्सनस का, उनमें ये काफ़ी प्रोमिनेंट थे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि यहाँ से ये आपको अंदाज़ा होता है कि माफ़िया माफ़िया होता है। आप चाहे दुनिया के जिस मर्ज़ी कोने में चले जाएं, ये आपको नहीं छोड़ते। ज़िंदगी मौत बेशक अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो ज़मीन पे भी खुदा बन के बैठे हुए हैं। तो बस ये जो तकलीफ़ थे बात थी ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब हम लोग परेशान थे। और ये ख़बर सुन के ना वो जो टाइटल और थंबनेल मैंने लगाने का सोचा हुआ था वो मेरा बिल्कुल दिल ही नहीं किया। आई डोंट नो, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को इतना इंटरेस्ट ना हो पॉलिटिक्स में, लेकिन ये है कि मुझे है और फिर मैं सुनती भी हूँ, तो मुझे खैर बहुत ज़्यादा दुख हुआ और मेरा ख्याल है तकरीबन हर पाकिस्तानी को हुआ होगा। तो जनाब वापस अपने व्लॉग की तरफ चलते हैं। आप उनके लिए दुआ मगफिरत कीजिएगा और दुआ कीजिएगा अल्लाह उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता करें। यहाँ पे हस्बैंड आए थे और मैंने उनके लिए बनाई थी बिरयानी, साथ में कस्टर्ड फ्रूट ट्राइफल बनाया था। और यहाँ पे खा रहे हैं जी बच्चे और मियाँ साहब खाना, उनके दोपहर को पहुँचे थे वो, और साथ में हम लोग न्यूज़ सुन रहे थे। उनके ये उससे पहले वाला दिन है जिस दिन ये जो बुरी खबर हमें मिली उससे पहले वाला दिन है। तो दोपहर का खाना खाया, तो फिर रात को ये मैं कस्टर्ड सर्व करने लगी थी, तो मैंने कहा ये भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और जैसे कि मैंने बताया कि इतना अजीब सा दिल हुआ हुआ था ना कि कोई रेसिपी कुछ भी मेरा आपको बताने को दिल ही नहीं कर रहा कि मैं आपको क्या बताऊँ कि मैंने क्या किया और क्या नहीं। लेकिन व्लॉग भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़रा ये भी एक किस्म की जॉब है और ये जॉब का हिस्सा है कि चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। ज़िंदगी में ये सब कुछ चलता रहता है, खुशी गम, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना बस दिमाग में बैठ जाती हैं और फिर दिमाग में से निकलती भी नहीं है। तो बस इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है हर चीज़ में। उसके बाद कुछ ग्रॉसरी ख़त्म हुई हुई थी तो हम लोग लिडल चले गए थे, तो यहाँ पे हम चीज़ें वगैरह देख रहे थे। ये बड़ा अच्छा रग लगा हुआ था, किचन मैट है। अगर किसी का किचन यहाँ पे बड़ा है, हमारा तो छोटा सा है, लेकिन अगर किसी को पसंद है किचन मैट्स तो यहाँ पे लगे हुए हैं लिडल पे। तो इसके अलावा काफ़ी चीज़ें लगी हुई थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको दिखा रही थी। मुझे ऐसी चीज़ें बड़ी पसंद हैं, तो मतलब स्पेशली ये वाली जिस तरह इलेक्ट्रिक स्टोव्स होते हैं या इलेक्ट्रिक जो कढ़ाइयाँ या इस किस्म की चीज़ें जो है ना मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। वैसे आजकल तो हेलोवीन के चक्कर हैं, तो पूरी हर जगह पे ना हेलोवीन की आपको चीज़ें मिलेंगी हर जगह पे, और साथ में क्रिसमस स्टार्ट होने वाला है, तो क्रिसमस से रिलेटेड आपको ये चॉकलेट्स और इस किस्म की सारी चीज़ें जो है ना ये तकरीबन हर जो मार्केट है, चाहे लिडल है, चाहे दिया है, चाहे कुछ भी है, आप कहीं भी चले जाएं, मर्कादोना कहीं पे भी, तो आपको सब जगह पे ये मिलेंगी। तो हम ये देख रहे थे और बस इसी तरह कुछ चीज़ें हमने लेनी थी, ऑयल वगैरह, घी, थोड़ा ऑयल ख़त्म हुआ हुआ था, इसके अलावा कुछ चीज़ें और थी लेने वाली, दूध ख़त्म हुआ हुआ था, तो हमने सोचा कि चलें हम वो ले आते हैं। तो ये फ़्रेश मिल्क होता है, हम तो वैसे लेते हैं दूसरा, लेकिन फ़्रेश मिल्क भी हम ले लेते हैं। और साथ में ये मक्खन मैं देख रही थी, क्योंकि जो पहले हमने लिया वो ख़त्म हो गया, तो मैंने सोचा कि अब ना एक और ले लेते हैं। तो बस यहाँ पे चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये फ़्रेश मिल्क है,
ये हम यूज़ करते हैं बच्चों को देने के लिए, पीने के लिए, चाय वगैरह के लिए हम दूसरा यूज़ करते हैं टेट्रा पैक वाला। और इसके अलावा ये कोला काव है, हाई दूसरा सॉरी कोला काव नहीं है, हाइका कह रही थी कि मुझे कोला काव लेना है और यहाँ पे हम वो चेक कर रहे थे कि कहाँ मिलेगा। ये फ्रोज़न आइटम्स हैं, इसमें भी हैलोवीन से रिलेटेड, देखा मैंने आपको बोला ना तकरीबन हर चीज़ है ना वो हैलोवीन से रिलेटेड आपको मिलेगी। ये हैं जी W5 के वाइप्स हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए, स्प्रे अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो। बस मैंने अपने लिए हेयर कलर लेना था क्योंकि मेरा हेयर कलर जो है ना लास्ट टाइम मैंने किया था तकरीबन ईद से पहले, और मैं ज़्यादा हेयर कलर नहीं करती हूँ, बहुत बीच में ना मैं गैप डाल देती हूँ। इसके बावजूद मेरे बाल काफ़ी रफ हुए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हुए हैं, तो अब काफ़ी जो है ना वाइट हेयर्स नज़र आना शुरू हो गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं ले लूँ। और अब मैंने इस दफ़ा लिया है सीएन का, लिडल से ही लिया है, यूनिक का ब्रांड है, तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा ये ट्राई करती हूँ। लास्ट टाइम मैंने गार्नियर का लिया था और गार्नियर का मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था। गार्नियर का इशू ये है कि उसको जितनी दफ़ा भी आप वॉश करेंगे ना उतनी दफ़ा वो मेहंदी की तरह ना आपके बालों में से निकलता ही रहता है, तो बाकी जो हैं वो नहीं निकलते। तो मैंने अब ये ट्राई करना था, तो अब मैं बताऊँगी आपको कि इसकी क्या सूरत हाल है। तो जनाब ये है जी इसके साथ दो चीज़ें जो मिक्स करनी है आपने। इसके अलावा ये इसका बड़ा अच्छा सा ना आगे से अप्लाई करने के लिए ब्रश टाइप बना हुआ है, बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे तरीके से जो आपका हेयर कलर ना अप्लाई हो जाता है। तो ये दोनों आपने मिक्स करने हैं। और यहाँ पे है जी एक शैम्पू है और एक जो है वो मास्क है, तो मैंने ये दोनों चीज़ें यूज़ की हैं। कलर भी मैंने यूज़ किया तो बड़ा अच्छा कलर था, फ़र्स्ट टाइम तो काफ़ी निकला, लेकिन अब मैं सेकंड टाइम वॉश करूँगी बाल तो फिर मैं कुछ बता सकती हूँ कि मतलब ये गार्नियर की तरह का ही है या फिर ये स्टे करता है बालों में। तो वैसे तो बाल अच्छे हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, तो बाकी हम बाद में बताएँगे। और जनाब यहाँ पर तलहा की बर्थडे थी, पोस्ट बर्थडे है क्योंकि गुजर चुकी है उसकी 14 अक्टूबर को, तो बाबा उसके घर नहीं थे तो हमने नहीं मनाई, तो फिर उसके बाबा आए तो उन्होंने सोचा कि अब हम ना इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो सेलिब्रेशन क्या होती है, हम लोग बस दो, हम हैं और हमारे दो हैं बस, हम इनके साथ ही हैं, हमारी यही फैमिली है और हम इसी तरह सेलिब्रेट करते हैं, हमारी कोई इतनी खास सोशल लाइफ नहीं है तो हम आपस में ही सेलिब्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा तलहा को खुश करने के लिए बाबा के साथ गया हुआ था कटिंग करवाने, तो हमने पीछे से थोड़ा सा सरप्राइज़ रेडी किया उसको खुश करने के लिए, तो माशाल्लाह बच्चे जो है ना वो इतने में ही खुश हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे बच्चे केक आ गया था तलहा का, बहुत मज़े का केक था। और ये हाइका का हेयर स्टाइल मैंने बनाया, ये मुझे निकाल के इसने दिया 5 मिनट क्राफ्ट से, इसने बोला कि मुझे बना के दें। तो ये तलहा की बर्थडे पे देखें कितना ज़बरदस्त हाइका का जो बन है ना मैंने बनाया, तो बड़ा अच्छा बना, मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे बीच में बीट्स लगते हैं लेकिन मेरे पास बीट्स थे नहीं, तो बहुत प्यारा लगता है अगर बीट्स बीच में लगे हुए होते, तो आगे से फ्रंट से मैंने इसी तरह इसका कर दिया। और तलहा साहब जो है ना वो पीछे खड़े हैं, तो अभी ये कटिंग करवा के आया, अभी मैं इसको नहलाऊंगी और उसके बाद फिर हम इसकी बर्थडे ना वो सेलिब्रेट करेंगे। तो बस जनाब ये इसी तरह का व्लॉग है, छोटे मोटे क्लिप्स मैंने इकट्ठे जोड़ के आपके साथ शेयर किए हैं क्योंकि सच्ची बात बोलूँ तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था वॉइस ओवर करने को, अजीब सी तबीयत हुई हुई थी, तो बहरहाल ये भी ज़रूरी था। तो बस मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मरहूम के घर वालों को सब्र दें और हमारे मुल्क को जो अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन है ना उनसे महफूज रखें। सच में बहुत तकलीफ़ होती है सब कुछ देख के कि आखिर कितनी जानें हम कुर्बान करेंगे इन माफियाज़ की करप्शन को और इन माफियाज़ को बचाने के लिए। लेकिन खैर आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा ढेर सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।